गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स और यूनिट चैप्टर नंबर हमारा है 5, नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। जो आगे के पार्ट में हमें पार्ट 1 और 2 में जो हमें 10 का ग्रुप्स बनाया था, इसकी तरह ही इसमें भी हमें करना है। चलो हम एग्जांपल देखते हैं, डू इस पर एग्जांपल। चलो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है 11 और 10 और यहाँ पर 1 दिया गया है। तो अब इसको हम 10 के कैसे लिखेंगे, तो 11 equals to 10 plus 1। चलो 10 में हम कितने 1 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 11। तो 10 plus 1 तो 11 हो गए। फिर नेक्स्ट 10 यहाँ पे और प्लस 1, यहाँ पे उल्टा लिखा और यहाँ पे सीधा 10 plus 1 equals to 11। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे हम 12 और यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ पे देखो 10 equals to 12 दिया, तो हम 10 में कितने ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे, तो फिर 2, तो 10 plus 2। चलो 10 plus 2 किया तो आंसर हमारा हो गया है 12। अब 10 में कितने ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम 2, तो 10 plus 2 equals to 12। तो यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। अब काउंट करो 10 plus 2 equals to 12। इस तरह से आपको यहाँ पे एडिशन करना है। फिर नेक्स्ट चलो यहाँ पे 13 और 10 दिया है तो 10 equals to 13, तो यहाँ पे 10 में हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे तो कि 3। तो चलो यहाँ पे पहले हमें 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे तो 30 है, तो हमें यहाँ पे 10 में और कितने ऐड करने पड़ेंगे तो कि 3 दिया है 1 2 3। चलो अब काउंट करते हैं कि 30 होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमें यहाँ पे 10 दिया है, ये तो हमने कितने ऐड किए 3 1 2 और 3, तो टोटल 30 हो गए। 10 के बाद 11 12 30, तो 30 आंसर आ गया हमारा। तो हमारा आंसर हो गया 30। 10 में हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 30। तो यहाँ पे भी 10 plus 3 equals to 30, यहाँ पे उल्टा दिया है और यहाँ पे सीधा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। ओके चलो इस तरह से अब नेक्स्ट चलो यहाँ पे क्या है 50, तो 50 में पहला हम यहाँ पे क्या करेंगे 10। ओके यहाँ पे लिख देंगे, हमें 10 का ग्रुप्स बनाना है इसलिए। चलो यहाँ पे +5 equals to 50 दिया है, तो 15 में हमें यहाँ पे 5 दिया है और 5 में हम कितने ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 50, तो कि 10। 10 के बाद 5 तक काउंट करेंगे तो 11 12 30 40 और 50, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। चलो अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 और ये 5, ये 1 2 3 4 5। चलो अब सभी को काउंट करते हैं, 50 हमारा आंसर आता है, तो हमारा 10 यहाँ पे हमने लिखा है राइट वरना रॉन्ग। ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 30 40 50, चलो ये तो हमारा राइट हो गया। तो यहाँ पे हम 10 में 10 ऐड करेंगे 5 में तो आंसर आ जाएगा हमारा 15 जो हमें दिया गया है वो। ओके बच्चों चलो फिर यहाँ पे 15 equals to days plus 5, चलो यहाँ पे 15 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 10। 5 में कितने ऐड करेंगे तो 50 हो जाएंगे, तो कि 10। चलो हो गया 10 plus 5 equals to 50। ओके चलो नेक्स्ट चलो यहाँ पे 17 दिया है, तो पहले हम यहाँ पे 17 equals to 7 प्लस दिया है इस तरह से। ओके चलो यहाँ पे 7 में हम कितने ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 7 तो हमें दिया है और जो 10 इस तरह से हो जाता है 10, तो यहाँ पे भी हम कितने ऐड करेंगे 10, तो 10 plus 7 equals to 17, यहाँ पे भी 17 equals to days plus 7, तो यहाँ पे भी 10 plus 7 equals to 17। ओके तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम 10। चलो समझ में आया बच्चों। चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे 8 है और 18 है, तो यहाँ पे 18 हमें आंसर लाने के लिए हमें यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे, तो 8 तो हमें दिया है और यहाँ पे 10, तो 10 plus 8 equals to 18।
और 8 + 10 = 18। यहाँ पे हमें सभी में 10 ही ऐड करने हैं। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट, चलो यहाँ पे 16 दिया है और 10, तो यहाँ पे 10 में हम कितने ऐड करेंगे तो 16 हो जाएंगे, तो ये 16 = 10 + 10। तो 10 में कितने ऐड करेंगे तो 16 हो जाएंगे, तो क्या 6, यहाँ पे हमने लिखा ही है, ये 6 ऐड कर देंगे। तो अब चलो आप काउंट कर सकते हैं, पहले हमें 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 6, 1 2, चलो 10 हमने काउंट कर लिए, फिर है 6, ओके। चलो 1 2 3 4 5 6, चलो 10 तो हमें यहाँ पे दिए गए थे और हमने इसमें 6 ऐड किए, तो अब चलो हम गिनते हैं कि यहाँ पे हमारा 16 आंसर आ जाता है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो ये तो राइट हो गया, हमने 6 ऐड किए 10 में, तो ये तो हमारा 16 हो गया। चलो अब यहाँ पे तो 6 ऐड किए तो ये आंसर 16 हो गया, और 10 + 6 = 16। चलो यहाँ पे हम 16 की जगह पे 5 ऐड करते हैं यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 15। तो यहाँ पे तो हमें 16 लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 ऐड किया, फिर 19 दिया है और 10 दिया है, ओके। चलो यहाँ पे 10 और है यहाँ पे 19, तो यहाँ पे हमें 19 आंसर लाने के लिए 10 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या चलो लास्ट में नंबर दिया है उतने, कितने हैं 9, ओके। तो 10 + 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। चलो यहाँ पे इसलिए दिया, और 19 = 10 + 9। चलो यहाँ पे 10 छे, तो यहाँ पे हम 10 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। चलो यहाँ पे 19 हमें तो लेना है, तो चलो पहले हम 8 करते हैं ऐड, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब काउंट करते हैं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 18 हो गया, तो हमें क्या लेना है यहाँ पे 19 लेना है, तो हमें 8 के बाद और ऐड कर देंगे 1, तो 9 हो गए। चलो फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, चलो ये तो हमारा आंसर आ गया। तो आपको पता चला होगा कि जो यहाँ पे हम 9 दिए हैं, हमने 9 ऐड किए तो ही हमारा आंसर हो गया 19, 8 किया तो नहीं हुआ, ओके। चलो अब नेक्स्ट 14 है और 10 है, तो 10 में हम कितने ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे, तो चलो आपको अब तो पता चल गया होगा, 4, यहाँ पे 4 14 = 10 + 4, तो 10 + 4 = 14, तो आंसर हो गया ना 14, हाँ चलो 10 + 4 = 14, ओके चिल्ड्रन। चलो आपको समझ में आया, इस तरह से आपको अपनी बुक पे ये कंप्लीट करना है और एकदम इजी है, ओके। चलो थैंक यू।